Assalamualaikum dear student, welcome to our YouTube channel Math Teacher. आज हम डिस्कस करेंगे डी मॉर्गन लॉ एक्सरसाइज 1.2 क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स और ये हमारे सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैट्रिक की जो है ना वो मैथ हम आज डिस्कस कर रहे हैं. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 20 है इफ U is equal to 1, 2, 3 up to 20. यूनिवर्सल सेट हमारे पास 20 तक एलिमेंट है और A सेट हमारे पास गिवन है 1, 2, 4, 8, 10, 16 and 20. और उसके बाद B हमारे पास सेट गिवन है 2, 6, 8, 10, 14, 18. हमें वेरीफाई करना है डी मॉर्गन लॉज. डी मॉर्गन के दो लॉज हैं. फर्स्ट लॉ हम पहले सॉल्व करते हैं A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. हमें सिर्फ वेरीफाई करना है इसलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हम ए यूनियन बी जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है वो सॉल्व करेंगे. तो हमने ए का सेट रख दिया 1, 2, 4, 8, 10, 16 and 20 और बी का सेट जो यहाँ पर हमने रख दिया. उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे. तो यूनियन का मतलब है दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट होंगे या तरतीब से मिला के रखते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा. उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. तो जो ए यूनियन बी का आंसर हमने निकाला है उसको यू में से माइनस करना है इसलिए हम जो है ना वो पहले यू का सेट लिखेंगे फिर जो ए कॉम्प्लीमेंट बी का आंसर आया वो लिखेंगे. मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिख दिया है कि जहाँ पर 1, 2, 3 डॉट लगा के 20 तक, मतलब ये 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट यू के हैं और उसमें से हम ये एलिमेंट माइनस करेंगे. तो बाकी हमारे पास आगे जो आंसर आएगा वो ये वाला हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 19. जो एलिमेंट वहाँ पे थे ए यूनियन बी में वो इसमें नहीं होंगे. उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का बराबर होना चाहिए. अब हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी तो हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. राइट हैंड साइड में हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. सो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से ए के मेंबर जो है सारे हम माइनस करेंगे. ये हमारे पास ए के मेंबर हैं ये हमने यू के रख दिए. माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1 से लेकर 20 तक जो भी इधर नहीं थे वो हम यहाँ पर रखेंगे. ये ए कॉम्प्लीमेंट के बाद हम निकालेंगे बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी. सो पहले हमने यू के एलिमेंट रखने हैं फिर माइनस करने हैं बी के एलिमेंट. उसके बाद हमने जो है ना वो इसका आंसर निकाल देना यू में से बी माइनस करके. बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का आंसर जब आ गया तो हम आगे फिर इनकी दोनों की इंटरसेक्शन करेंगे. इंटरसेक्शन मतलब दोनों में देखेंगे कौन से एलिमेंट एक जैसे हैं. तो जो एक जैसे एलिमेंट होंगे वो हमारे आगे आंसर में आ जाएंगे. अब हमारा ये राइट हैंड साइड का आंसर और पीछे जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकला था वो दोनों इक्वल हैं. तो दोनों इक्वल हैं हम तो कहेंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. अब हम आते हैं हमारा नेक्स्ट लॉ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. इसमें भी हम जो है सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. तो इस ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट में भी पहले हमें ए यूनियन बी सॉल्व ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करना पड़ेगा. तो हमने ए के एलिमेंट रख दिए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट रख दिए. इन दोनों में जो सेम है वो हमने यहाँ पे रखे. उसके बाद हमने इसकी होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या किया यू में से माइनस किया है ए इंटरसेक्शन बी का आंसर. तो यहाँ पर मैंने यू का पूरा सेट लिखा उसके बाद ये वाला आंसर जो है माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. ये आंसर जो है वो हमारा सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है. अभी हम राइट हैंड साइड पे जा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. सो यू में से हमने ए माइनस करना है इसलिए हम जो है ना बस का आंसर लिखेंगे. ये वाला हमारा आंसर जाएगा यू माइनस ए करेंगे तो. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है बी कॉम्प्लीमेंट. बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी. सो यू का सेट लिख कर माइनस बी का सेट लिखेंगे. उसके बाद हमने इसका आंसर निकालना है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. यू में से जो भी बी के एलिमेंट होंगे वो इधर नहीं आएंगे बाकी एलिमेंट बचेंगे वो रखेंगे. अब हमारे पास जो है ना फाइनल स्टेप है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिख दिया
फिर इंटरसेक्शन की सिंबल दे के बी कॉम्प्लीमेंट सारे एलिमेंट लिख दिए। अभी जबकि यूनियन है तो दोनों को तरतीब से मिला के रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 9 10 नहीं है, 11 11 के बाद डॉट डॉट 20, मतलब सारे एलिमेंट आगे हैं। तो हम लिखेंगे आगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो मिला था वो भी यही सेम था, राइट हैंड साइड का भी हमें आंसर मिला ये वाला वो भी सेम है, दोनों इक्वल हैं। तो हम लास्ट में लिखेंगे हैंड्स प्रूफ। बस आज तक जाना वो ये हमने डी मॉर्गन ला के दोनों ला वेरीफाई कर दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगला टॉपिक करेंगे। अल्लाह हाफिज़।